उत्तर पूर्वी दिल्ली उस्मानपुर थाने के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल पर चोरों ने हाथ साफ किया और चंद सेकंडों में बाइक को ले उड़े। चोरों की यह करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अभी कुछ समय पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस के बाहर से भी एक न्यू बुलेट चोरी हुई थी, वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद थी, लेकिन पुलिस अभी तक उन चोरों को भी नहीं ढूंढ पाई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस बार पुलिस क्या करेगी। बिल्कुल ही सीसीटीवी कैमरे में आई हुई हमारी वारदात की, हमारे पंडित कंकलाल गौतम जी जो मोहल्ले में अपने बहुत सामाजिक काम करते हैं, उन्होंने लगाया अपने पास से, मगर जब भी उसे देखने के बाद भी वीडियो को देखने के बाद पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है इसमें। दो व्यक्ति आए कि स्कूटी पे व्हाइट कलर पे और सिर्फ दो मिनट के अंदर ही और उसे चुरा के ले गए। दो दिन पहले ही स्नैचिंग की वारदात हुई थी और आए दिन कुछ ना कुछ वारदात होती है। आए 10-15 दिन पहले यहाँ पे शटर तोड़ने की वारदात हुई थी, किसी महिला से स्नैचिंग हुई थी, उसकी भी हुई थी। हम इस बात को डीसीपी साहब को भी समय समय पे बोलते रहते हैं कि यहाँ पे रात को पेट्रोलिंग कराई जाए। स्नैचिंग होती है, कभी बाइक उठ जाती है, प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं देता, पुलिस वाले के यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ का कोई किसी को नहीं, जब मर्जी वारदात हो जाती है, किसी की चैन छिनती है, किसी का पर्स, सब परेशान है सारे। लोगों का आरोप है कि उस्मानपुर थाने के अंतर्गत ब्रह्मपुरी गौतमपुरी में ऐसी घटनाएं आम होने के बावजूद भी पुलिस पेट्रोलिंग तक नहीं करती और इस वजह से चोरों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।